फेस्टिवल इंटरनेशनल जो भी है, एक से लेकर के 5 दिसंबर तक, मतलब कि कल से शुरू है। अगर मैं टाइम से वीडियो डाल दिया तो, अगर आप पूरी आ रहे हैं तो फिर ये चीज़ भी अटेंड कर लेना। अभी मैं हूँ चंद्रभागा बीच पे और आपको घुमाता हूँ जहाँ पर क्या क्या है, किस प्रकार से है और क्या क्या बोटिंग वगैरह का क्या सुविधा है, मतलब वो छोटा ला। तो चलिए चलते हैं चंद्रभागा बीच घूमने के लिए। और ब्लॉगर बनने में भी टाइम काफ़ी लगेगा यार, अनाड़ी है, खिलाड़ी बनने में टाइम तो लगेगा ना। देखिए अगल बगल में पूरा दुकान लगा हुआ है और तैयारी हो रहा है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2022 का, जिसका एंट्री वहाँ से रहेगा। तो नीले कलर का दिख रहा है वहाँ से, तो चलो आपको सामने से लेकर जाकर के दिखाता हूँ। वेलकम गेट कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर बीच को अच्छी तरीके से सफाई किए गए हैं। ये देखो सारा पूरा रेत यहाँ से हटा दिए हैं, ये है बढ़िया अच्छी तरीके से सजाया गया है, नीले कलर का कारपेट और सामने पूरा सफाई करवाया गया है। पूरा यहाँ पर रेत था पहले और दुकान इस साइड पे, बीच बीच भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, और ये देखो ये वाला बीच काफ़ी फेमस है और ये बीच काफ़ी लंबा है। ये पूरा उधर दूर तक का सामने देखिए बोटिंग, बोटिंग का प्राइस मैं आपको बताता हूँ क्या है। लाइन में है, लाइन में चलिए पूछते हैं क्या प्राइस है बोटिंग करने का। भैया थोड़ा थोड़ा हटिए ना, गेट इसका ही 400, गेट इसका ही क्या क्या है यार समझ नहीं आ रहा। भैया ये बोटिंग का कितना, किसको पता है? बोट आ रही है बताने वाले ही नहीं है यार। भैया क्या प्राइस है एक राइड का, प्राइस क्या है एक राइड का? भैया आज के लिए कैंसिल, नहीं तो प्राइस तो बता दो, कल तो यही है ना। इसके नहीं, वहाँ देखो 250 लगा है बोर्ड, प्राइस वहाँ पे आराम से देख सकते हो। नहीं समझ में नहीं आया था ना वहाँ से, तो एक राइड का जो है 250 है। और मैं आपको सनसेट दिखाते हैं, सामने देखिए और ये बीच काफी खूबसूरत है, पर पुरी से काफी दूर होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। जो लोग कोणार्क आते हैं वही लोग यहाँ पर आकर के विजिट कर पाते हैं। और पर है बहुत फेमस बीच, यहाँ पर बहुत सा सुविधा भी है, जैसे यहाँ पर ये सब सुविधा जैसे बोटिंग वगैरह का हो गया, मोनिस्टर राइडिंग का, और साथ ही साथ जो अभी अब दिसंबर के टाइम को 1 से लेकर 5 दिसंबर तक का, तो यहाँ पर हो रहा है अभी कोणार्क फेस्टिवल, वहाँ पर पूरे रेत से, मतलब सैंड से, रेत से पूरा कलाकारी बनाएंगे। तो अगर आप 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक अगर आप यहाँ पर हैं, चाहे कोई भी साल हो, जरूरी नहीं है कि इसी साल पे है, सभी होता है, मतलब हर साल 1 से 5 दिसंबर तक ये फेस्टिवल होता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ सनसेट जो बहुत प्यारा है। और देखिए लहर, ये देखिए दोस्तों, आप जब तक सनसेट करो एंजॉय, और मैं आपको थोड़ी देर में फिर मार्केट दिखाऊंगा।
और दोस्तों पीछे सूर्य डूब चुका है और बोटिंग अभी भी चालू है, बोट तो बंद हो जाएगा पर अभी भी चालू है। देखो वो वहाँ से जा रहा है, दिख रहा होगा छोटा सा, वो उधर जाएगा और उधर करते हुए ऐसे घुमा करके लाएगा। और दोस्तों मार्केट दिखाता हूँ यहाँ का, इधर मार्केट लगे हुए। काड़ो 500 600 700 750 अलग अलग रेट है क्या? इधर सारा दुकान लगा हुआ है, उधर भी दुकान, और यहाँ से पूरा रेत हटा दिया यार, पहले बहुत रेत था, इसने रेत हटाया क्योंकि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2022 इसलिए। और फिर मैं आपको एक बार और बोलना चाहूँगा कि अगर आप अगर टाइम से डल जाता है, पूरी में पूरी आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और हर साल होता है ये। और एक सामने बोर्ड लग रहा है, पूरा रेस से पूरा ऐसा कलाकारी अंदर में किया गया होगा, या अभी चालू होगा, अभी हुआ नहीं होगा, तो कल आपके विजिट के लिए चालू हो जाएगा, कल है 1 तारीख। तो चलिए दोस्तों हमको भी जाना है रेलवे स्टेशन, और रात में 8 बजे मेरा ट्रेन है, तो मैं यहाँ पर से बस का वेट करता हूँ, देखते हैं कितने समय बस मिलता है। अच्छा बस आ ही रहा है यार। तो चलिए ये वाला वीडियो यहीं तक का है, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।